नमस्कार दोस्तों, अभी जो हम हैं वो -2 या 3 डिग्री सेल्सियस के अंदर बैठे हुए हैं और आपको एक बात बता दूंगी, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। हमने पूरी कोशिश करी है आप लोगों के क्वेश्चन सेलेक्ट करने की, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए हैं। तो इसी वादे के साथ कि इसी वीक के अंदर दोबारा से भी Q&A आएगा, फ्री एडवाइस पर भी आएगी और रवि भाई के चैनल DDS के ऊपर भी आएगा। और नेटवर्क के लिए देखो कितने पहाड़ की टॉप में हम बैठे हुए हैं, आपको पूरा नीचे का नज़ारा दिख रहा होगा यहाँ से। और अपलोडिंग स्पीड बिल्कुल नहीं आ रही है। अगर अपलोडिंग स्पीड ठीक रही तो अभी आ जाएगा, नहीं तो रात के 11-12 बजे तक भी ये वीडियो आपको मिल सकता है। ये हमारी कोशिश रहेगी। तो सबसे पहले लेते हैं सवाल हेयर स्टाइलिस्ट पवन का। भाई मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट Q&A में ऐड करना, पिछली बार भी कमेंट किया था बट आपने ऐड नहीं किया। मैं मुंबई थाने से हूँ, फर्स्ट टाइम कार लेना चाहता हूँ, कौन सी लूँ? मुझे कार चलानी नहीं आती बट लेके सीखनी है। मेरा रनिंग 200 किलोमीटर है पूरे मंथ में, तो कौन सी लूँ, न्यू लूँ या ओल्ड लूँ? बजट 5 से 6 लाख है। डेफिनेटली आप ओल्ड गाड़ी परचेज कीजिएगा, पुरानी गाड़ी लीजिए। उससे दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो आपका हाथ भी अच्छे से साफ हो सकता है और आपका कहीं पे हल्का फुल्का स्क्रैच या ठुकती पिटती भी है तो आपका उतना दिल भी नहीं दुखेगा। और 5 से 6 लाख के लिए आपका बजट अच्छा खासा है सेकंड हैंड के लिए। तो इस टाइप में इको स्पोर्ट टाइप की जो है आप गाड़ी प्रेफर कीजिएगा, डेफिनेटली आपको अच्छी कंडीशन के अंदर मिल जाएगी। तो 5 से 6 लाख का जो बजट है ना, उसमें आपको एंट्री लेवल की कार ही मिल पाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा सेकंड हैंड के बारे में सोचिए। ट्रू। तो अगला सवाल है निहारिका का, वो पूछ रही हैं कि कार को फर्स्ट टू फिफ्थ किसी भी गियर में अच्छी खासी स्पीड में चल रही हो और चलती कार में अचानक से रिवर्स गियर लग सकता है क्या, और अगर लग जाता है तो कार के मोशन में क्या होगा या कुछ डैमेज होने के चांसेस है? कर्र की साउंड आएगी जैसे आप रिवर्स लगाते हैं चलती गाड़ी के अंदर। मुझे नहीं लगता कि वो लग पाएगा, और ये प्रॉपर स्टंट मैंने खेल करके नहीं देखा, इन्होंने जरूर करके देखा था। हाँ, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अगर ज़्यादा जोर लगाऊंगा तो जो गियर्स हैं वो टूट जाएंगे जी। तो नुकसान हो सकता है इससे। ओके, ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया था, बर्थडे गर्ल ही है ना, तो हैप्पी बर्थडे निहारिका, और आप लोग भी इनको विश कर सकते हैं ईयर एंड पे जो इनका बर्थडे आ रहा है। तो अगला सवाल है अफाक कुरैशी जी का, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रहते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि HR नंबर की डीजल कार की वैलिडिटी 15 ईयर होती है NCR में, या फिर ये लॉ सब रजिस्ट्रेशन नंबर पर है या बस दिल्ली नंबर पर, क्योंकि मैं न्यू कार लेना चाहता हूँ, समझ नहीं आ रहा कि UP से लूँ HR या फिर दिल्ली। HR यानी हरियाणा, मुरादाबाद से भाई साहब, तो डेफिनेटली आप अपना UP नंबर ही लीजिए, 15 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा, रिस्क क्यों लेना। तो शारिक फिट कोच ने नई कार ली है, ये है आपकी जो है नियोस, आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, मुबारक हो शारिक जी। तो अगला सवाल है देवेश का, ये पूछ रहे हैं कि ग्लांजा जी, मुझे कोटेशन उन्होंने दिया, वो भोपाल MP का है, इसमें उसकी प्राइस दी है ऑन रोड 8 लाख, तो उन्होंने ये सिर्फ 8 लाख का कोटेशन दिया है जबकि उन्होंने मुझे बेस्ट डील दी है 760 की, 7,60,000 की, तो वो मुझे कोटेशन 8 लाख का दे रहे हैं बट डील 7,60 की है, तो उसका कोई कोटेशन नहीं दे रहे हैं, तो क्या उसमें कोई फ्रॉड हो सकता है? नहीं देखिए, कोई फ्रॉड नहीं हो सकता इसके अंदर। मैं आपको बताऊं कि वो अनऑफिशियल डिस्काउंट आपको दे रहे हैं वहाँ पर, समझ रहे हैं, जो कंपनी की तरफ से डिस्काउंट आ रहा है वो कोटेशन उसी चीज़ की ही बना सकते हैं, समझ रहे हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि मिस्ट्री शॉपर भी जाता है शोरूम वगैरह के ऊपर, और कई बार जो है वो कंपनी ज़्यादा डिस्काउंट अगर देता है कोई डीलर तो उनके ऊपर पेनल्टी वगैरह भी डाल देती है। तो इस चक्कर के अंदर जो है वो उन्होंने तो उन्होंने आपको ये ऑफिशियल जो डिस्काउंट वाला जो है वही आपको कोटेशन दी होगी, और उनके पास अगर स्टॉक होगा तो वो अनऑफिशियल डिस्काउंट के थ्रू जो है वो दूसरी तरीके की डील भी आपको दे रहे हैं। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि डीलर के पास अच्छा खासा मार्जिन होता है, उसमें प्रॉफिट कम करके आपको डील दे रहे हैं। जी हाँ, और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर प्राइस वगैरह बढ़ते या घटते हैं तो वो जिस दिन आप डिलीवरी लेते हो ना उसी दिन के अप्लीकेबल होते हैं आप लोगों के लिए, ये जरूर ध्यान में रखिएगा आप। तो अगला सवाल है प्रथम खत्री का, सर अगर अच्छी खासी स्पीड में चलती हुई गाड़ी में बैक गियर ले, ये सवाल जो है ऑलरेडी पूछ चुके हैं। जी गई। हाँ जी, सेम क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्त। सरनजीत विर्क ने बोला है कि इफ आई बाई अ कार इन सेम स्टेट बट फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, इज NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड? ओनरशिप भी अगर ट्रांसफर होती है तो NOC की जरूरत होती है। बिल्कुल होती है, सेम स्टेट में भी होती है जी, तो NOC की जरूरत आपको पड़ेगी। हाँ। वैसे पीछे का आप नजारा देख रहे हैं, शानदार नजारा है भैया, रात को तो फटी पड़ी थी हम लोगों की। तो अगला सवाल है मेहता जी का, मेहता गिरीश का,
उन्होंने फीगो ली थी। हाँ, फीगो ली थी, उसमें जो सिस्टम आता है वो लॉक हो गया है। इन्होंने सेकेंड हैंड ली थी तो फर्स्ट ओनर से लॉक हो गया था, तो कंपनी वाले इनको जो है 6-7 हज़ार का खर्चा बता रहे हैं। तो क्या करना चाहिए उसमें? देखिए, या देख दो चीज़ें हैं, अगर आपको वर्थ लग रही है वो, अगर बढ़िया म्यूजिक सिस्टम है तो फिर उसको रखिएगा, और वो कोशिश करिए कि वो जो गाड़ी है उसके अंदर म्यूजिक सिस्टम कौन सी कंपनी का लगा हुआ है, तो वहाँ पर उनके कस्टमर केयर से आप बात करने की कोशिश कीजिए, हो सकता है कि वो अनलॉक कर दें। वहाँ पर सर्विस सेंटर जो है वो जगह जगह हर शहर के अंदर खुले हुए रहते हैं, तो ये चीज़ आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा। और अगर अच्छा सा एक्सपेंसिव आपका म्यूजिक सिस्टम है तो 6-7 हज़ार ठीक है यार, इतना तो वर्थ है अगर आप कंपनी करवा करके दे रही है तो। तो अगला है राहुल का क्वेश्चन। हाई भैया, आउट ऑफ 3 नेक्सॉन एग्जेड प्लस, इकोस्पोर्ट एस एंड वेन्यू SXO पेट्रोल, विच वन वुड बी आइडियल फॉर फैमिली एंड डे टू डे यूजेस, एंड विच वन वुड बी पॉकेट फ्रेंडली फॉर लॉन्ग टर्म? देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, फैमिली के लिए कार चाहिए तो स्पेशियस कार चाहिए। तीनों गाड़ियों में से नेक्सॉन में सबसे ज़्यादा स्पेस है, ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। और पॉकेट फ्रेंडली यहाँ पर आपकी रहेगी इकोस्पोर्ट और वेन्यू, और नेक्सॉन का भी कम खर्चा है, लेकिन कंपैरिजन अगर देखा जाए तो इकोस्पोर्ट यहाँ पर आपको पॉकेट फ्रेंडली ज़्यादा बैठेगी जी। अगला सवाल है मयंक खुर्सीजा का। हेलो बॉस, वी यूज़ AC इन समर्स विच ऑब्वियसली इफेक्ट अवर माइलेज, बट इफ़ we use heater in winters, will it affect the mileage? I am asking because someone told me that heater only transfer heat from engine to cabin and it doesn't involve the running of compressor or any other mechanical part. आपका जवाब बिल्कुल सही है। हीट एक्सचेंजर लगा होता है जो इंजन की कूलेंट की जो हीट होती है उसको आपके केबिन के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, और बिल्कुल भी आपके माइलेज में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप हीटर यूज़ करते हैं तो। अगर आप कंप्रेसर वाला बटन दबाकर हीटर को यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो है माइलेज जो है कम होगा, क्योंकि कंप्रेसर चल रहा है तो हीटर जब चल रहा हो, हीटर जब चल रहा हो तो कंप्रेसर ऑफ कर दीजिए, तब माइलेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला सवाल है मयूर जी का। हेलो सर जी, मैं आपका चैनल फॉलो करता हूँ, सारे वीडियो देखता हूँ, मुझे एक डाउट है कि मेरा टाटा नेक्सॉन एग्जस्ट प्लस ले रहा हूँ, बट जो व्हीकल मुझे अलॉट हो रहा है वो जुलाई 2019 का मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये वाला व्हीकल लेना चाहिए क्या, प्लीज सजेस्ट। लगभग 5-6 महीने का जो है वो दौर है इस बीच में, मतलब 5-6 महीने, और अगर उनकी टर्म्स कंडीशन देखें तो ये लगभग आपको वो देखते हैं कि भाई 150 दिन पुरानी है, 160 दिन पुरानी है, ये सारी चीज़ें। आप इस केस के अंदर पता क्या कर सकते हो, आप वहाँ पर डिस्काउंट जो है वो ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ स्टॉक क्लियर करना उस डीलर की सरदर्दी बन जाती है अगर इतनी पुरानी गाड़ी खड़ी रहती है ना। आई एम 100% श्योर कि स्पॉट इंसेंटिव भी जो है वो सेल्स वाले का होता है वहाँ पर कि अगर बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ी बेचते हैं या कोई भी ओल्ड कलर उनके पास अटका खड़ा हो तो आप जरूर चेक जरूर कर लीजिएगा, उसकी प्रॉपर PDI वगैरह करवा करके ही लीजिएगा उस गाड़ी को, और डिस्काउंट भी ऑफर जो है वो आप अपनी तरफ से करिएगा। उनसे बोलना कि मैं इतनी पुरानी गाड़ी ले रहा हूँ तो मुझे डिस्काउंट दो, तभी मैं ले पाऊंगा, वरना नहीं ले पाऊंगा, मुझे नई मैन्युफैक्चरिंग डेट वाली या तो फिर नहीं दे दो। तो अगला सवाल है मयंक यादव जी का। सर, आई वांट कार फॉर फैमिली यूज, महिंद्रा मराजो M8 और टाटा हेक्सा XM। M8 टॉप वेरिएंट है, हेक्सा टॉप से एक नीचे है, XM बताइए जी। मेरे ख्याल से तो देखो दोनों ही वैल्यू फॉर मनी गाड़ियां हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप सर्विस से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं ना तो फिर हेक्सा के ऊपर जाइए, बड़ी सॉलिड गाड़ी है, स्पेस भी है और अच्छा खासा कम्फर्ट भी है। लेकिन यहाँ पर मराजो की एक बात बताऊँ, थोड़ी एनर्जेटिक जो है वो आपको ज़्यादा फील होगी, ये बात तो है, लेकिन लुक वाइज थोड़ी सी मेरे को हेक्सा ज़्यादा पसंद है और सॉलिड भी वो हेक्सा ज़्यादा है, तो डिसीजन जो है वो आपका है, दोनों ही गाड़ियाँ बहुत बढ़िया हैं फैमिली के लिए। और मराजो ने सर्टिफाइड 4-स्टार रेटिंग जो है अचीव करी है। तो अगला सवाल है जीतू दास का। सर, विच इज़ बेटर ऑप्शन, ग्रैंड आइटन न्योस स्पोर्ट्स वर्सेज स्विफ्ट VXI अंडर 7 लाख, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। लो जी, पिक कर लिया। क्या बताया सर ने? ग्रैंड आइटन न्योस स्पोर्ट्स और स्विफ्ट VXI। 7 लाख बजट हमारे हिसाब से तो यार देखिए, स्विफ्ट की बजाय न्योस ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है फिलहाल, और इसकी बजाय भी हम लोग तो शायद फोर्ड फिगो को प्रेफर करेंगे, है ना? बिल्कुल, और वैसे इन दोनों में चॉइस है आपकी तो न्योस स्पोर्ट्स जो है आपको अच्छा खासे फीचर्स के साथ मिल जाएगा, टच स्क्रीन मिलेगा आपको, अलॉय व्हील वगैरह मिल जाएंगे, सारा कुछ मिल जाएगा, क्वालिटी भी अच्छी है, कोई दो राय नहीं है। तो अगला सवाल है अर्पित जी का। सर, आई हैव टू बाय माय फर्स्ट कार, आई एम कंफ्यूज्ड इन सेंट्रो मैग्ना एंड ग्रैंड आइटन मैग्ना, प्लीज सजेस्ट मी
बजट नियर अबाउट 6 लाख अगर स्टॉक बचा हुआ है ना, तो ग्रैंड आइटन जो है वो फार बेटर रहेगी मेरे ख्याल से, तो ग्रैंड आइटन सही बात है। तो दोस्तों ये थे आज के आप लोगों के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि हमने अपना पूरा जोर लगा करके सिलेक्ट किए। भाई साहब नेटवर्क नहीं मिल रहा है यहाँ पर और हमें पता नहीं कि हम लोग अपलोड कैसे करेंगे। रात के 11-12 भी बज सकते हैं, अगर कहीं पे मिल गया तो आपको जल्दी भी मिल सकता है। लेकिन हमारा एक और क्यों नहीं आएगा इसी में, मतलब कि दो क्यों नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, लेकिन इसी मैसेज के साथ दोस्त की अगर 4-व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2-व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा, है ना। और बाकी तो ठंड भाई साहब मज़ेदार हो रही है, मस्त नज़ारे हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भाइयों को एक बार नज़ारा दिखा दे। और यहाँ पर मेरा एक पैर जो है सुन्न हो चुका है, मैं कभी भी इस खाई में गिर सकता हूँ। ठीक है, ओए सर जी।